Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Here I am Manna Gupta Makeup Artist and you're watching my channel Perfect and Makeup Studio. Friends, आज मैं इस एपिसोड में आपको अपनी फेवरेट, आप सभी मेरी इतनी वीडियोस देखते होंगे, जाने चुके होंगे कि मैं मास्क शीट की कितनी डैम फैन हूँ. यार ये ना मुझे सबसे अच्छा प्रोडक्ट लगता है. सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ मास्क शीट होता क्या. जो भी न्यू व्यूअर्स है, जो भी मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उनको मैं पहले बताती हूँ मास्क शीट क्या होता है. और इससे पहले मैं बताती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में लाइक शेयर कमेंट तो आपको भूलना ही नहीं है, वो तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ. तो आपको बताती हूँ मास्क शीट होता क्या है. मास्क शीट जो होता है ना, ये कॉटन फाइबर सेलुलोज कुछ ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट से बना होता है और जो इन्फ्यूज्ड होता है, जो कंसंट्रेटेड हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट होते हैं उनसे. और जब हम इसे अपने फेस पर लगाते हैं तो उसका जो हाइड्रेशन लेवल होता है, जो उसमें हाइड्रेटिंग जो उसके अंदर प्रोडक्ट होते हैं, वो हमारी स्किन पूरा सॉक कर लेती है और स्किन एकदम हाइड्रेट हो जाती है. और जो मतलब कि इसको लगाने के बाद ना आपकी स्किन एकदम स्मूथ, प्लम्प, और मेकअप से पहले लगाएंगे तो मेकअप के लिए रेडी हो जाएगी. और अगर आप स्किन हेल्दी चाहते हैं तो आप वीकली लगाओगे तो आपकी स्किन हेल्दी हो जाएगी. और अपनी प्रॉब्लम वाइज भी, अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग भी आप मास्क शीट अपनी चूज़ कर सकते हैं कि आपकी किस प्रॉब्लम के लिए आपको मास्क शीट चाहिए. एंटी एजिंग के लिए चाहिए, स्किन टाइटनिंग के लिए चाहिए, या फिर हाइड्रेशन के लिए चाहिए, विटामिन सी चाहिए, मतलब जो भी आप चाहते हैं आप वो पिक कर सकते हैं. अब आज मैं कौन सा मास्क शीट यूज़ करने रहे हैं. मास्क शीट का मतलब ये थोड़ी मास्क शीट, उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ है, बहुत ही सारी. आप अगर सर्च करोगे ना आपको इतनी सारी वैरायटीज़ मिलेगी ना. मैंने वही तो आपको बोला ना, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चूज़ कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, मतलब हर ओकेज़न के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए, हर स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ये मतलब आपको मिल जाएंगे. तो आज मैं जिस मास्क शीट के बारे में बात करने वाली हूँ वो है स्नेल मास्क शीट, जो कि नायका वालों के प्रोडक्ट, नायका की जब मैं मास्क शीट देख रही थी तो मुझे उसमें मिला. और मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी थी इस मास्क शीट को यूज़ करने का और इसके रिजल्ट देखने का. तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी कि स्नेल मास्क शीट के फ़ायदे क्या हैं. स्नेल मास्क शीट जो होती है ना, ये अपने न्यूट्रिशन से और नेचुरल कंटेन हाइलुरोनिक एसिड से ना एकदम फिल्ड होती है. और इसमें किस तरीके का प्रोटीन हमें मिलता है इससे, स्नेल मास्क शीट से, कि ना जिससे हमारी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ती है और हमारे मॉइस्चर को लॉक कर देता है और स्किन के कोलाजन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है. तो आप अब बोलोगे भैया कोलाजन क्या होता है, कोलाजन के प्रोडक्शन बढ़ने से हमें क्या फ़ायदा है. हाँ जी, मैं आपको ये भी बताऊंगी. कोलाजन एक किस तरह का प्रोटीन होता है जो हमारे स्किन में ग्लू का काम करता है. ग्लू है ना, ग्लू दो चीज़ों को चिपका देता है. तो ऐसे ही स्किन के जो टिश्यूज़ होते हैं ना उसमें ये अपना वर्क करता है. अब इसका हमें नुकसान और फ़ायदा क्या है. जैसे हमारा ये 20 की एज होती है ना, उसके बाद ये 1-1% ना थोड़ा सा डाउन होता चला जाता है, 1-1%. लेकिन जैसे हम 40 के अराउंड पहुँचते हैं तो ये कोलाजन बनना बंद हो जाता है. और जिससे वो है ना, मैंने आपको बताया ना ग्लू का काम करता है, तो वो इलास्टिसिटी कम होती चलती है और हमारी स्किन में क्या नज़र आने लग जाता है, फाइन लाइन दिखने शुरू हो जाती है, स्किन सैगिंग हो जाती है और एजिंग के जो साइन होते हैं ना वो हमें नज़र आने लग जाते हैं. तो फ्रेंड्स, यही है कोलाजन का काम. और ये जो कोलाजन का प्रोडक्शन है, ये हमारा स्नेल वाला जो ये मास्क शीट होता है ना, उससे इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है. कोलाजन हमारी स्किन को एकदम फर्म और टाइट कर देता है. अब जैसा कि आप वीडियोस में भी देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको बताई देती हूँ, डिटेल कर देती हूँ. सबसे पहले मैंने क्लीनअप किया था. क्लीनअप के बाद सिंपली इसे पैकेट से निकाल कर और फेस के ऊपर स्प्रेड कर दिया था. और स्प्रेड करने के बाद जो उसके अंदर थोड़ा सा हमारा प्रोडक्ट बचा हुआ था, हमारा सीरम बचा हुआ था, उसको भी उस मास्क के ऊपर मैंने लगा दिया था. अब 15 मिनट बाद मैंने उसको रिमूव कर दिया. रिमूव करने के बाद मैंने उस और सीरम को जो बचा हुआ था उससे पूरे स्किन पर, फेस पर मसाज कर दिया. मसाज करने के बाद मैंने अपना टोनर लगाया. टोनर के बाद अपना उनकी स्किन पर से ही मतलब एकदम शाइन नज़र आ रहा है. तो उसके बाद मैंने सनस्क्रीन लगाना कभी ना भूले, सनस्क्रीन जरूर लगाएं. और जैसा कि मुझे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगा है तो रेकमेंड करूंगी आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं. अफोर्डेबल है और बहुत ही अच्छा है. आप क्लाइंट का रिव्यू भी मिल जाएगा आपको. स्किन पर एकदम क्लास वाला ग्लो आया, देखो
Look at this. कैसा लग रहा है दीदी आपको फेशियल करवा ये फेस मास्क लगा के? रिजल्ट अच्छा लग रहा है ना, स्किन इतनी एकदम ग्लो, स्किन एकदम आपकी ग्लो कर रही है और ना एकदम अच्छा सा शाइन आया आपके फेस पर। वाह, यू लुक गॉर्जियस।